हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज है 10 सितंबर। तो आज एक बहुत ज़रूरी काम, छोटा भाई है उसका कुछ दिन पहले पैर फट गया था और काफ़ी टाँके भी आए हैं उसको, तो आज उसका बैंडेज करवाना है दोबारा। डॉक्टर ने बुलाया है तो मुझे उसके साथ हॉस्पिटल जाना है, तो देखते हैं। तो ये बंगेल एरिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर इतना ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा जिसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम नीचे चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी द्वारा काम जो यहाँ पर चल गया है और यहाँ पर इन्होंने बैरिकेडिंग भी लगा दी है। यू कैन सी द बैरिकेडिंग। और ये रूट डाइवर्ज हो गया है पूरा रोड के उस तरफ वाला, उस रूट पर, वो जो उस रूट पर डाइवर्ज हो गया है। थोड़ा लंबा पड़ेगा। अब मुझे भी, अगर मुझे हॉस्पिटल उस तरफ जाना है तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से ऑटो लेकर और वहाँ से उतना लंबा घूम के फिर उस रूट पे जाना पड़ेगा क्योंकि उसका डाइवर्जन हो गया। तो अरे क्यों फोन कर रहा है भाई, आ तो गया। आपने लंगड़ी खेल रहा है, लंगड़ी। चल जल्दी 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 जल्दी। क्या कह रहे हैं, लंगड़ी खेलने का एक्सपीरियंस हो गया तेरे को? अच्छा भाई, टांके कितने कट गए तेरे, टांके कितने कट। यहाँ से नज़ारा तो बड़ा सुंदर दिखता है भाई। आई ला, बहुत बढ़िया नज़ारा है यार। वाह, अरे यार कैसे करता है तो सारा ही बात ना, हम संभालेंगे तेरे को। ना तो बनवा ली दाढ़ी बनाइए मैंने यार, मोटी इस बार पट्टी ज़्यादा मोटी करी है। टांके कटे हैं? पांच कटे थे ना, आज चार कटे। ताऊ ताऊ ना ताऊ ग्रेड मार रहे, पीड़ी मार रहे, पीड़ी पीड़ी रहे। देखिए या यू टर्न पे भाई हैं, हर कह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो ले रहा हूँ सैमसंग A21 है। अच्छा, या यू टर्न पे बहुत भीड़ लगती है भाई। चार कैमरे हैं बैक में, फ्रंट में कैमरा यहाँ है। अच्छा, यहाँ से ही घुमाएगा यू टर्न लेकर। मैं यार 128 ढूंढ रहा हूँ, 128 मिल ही नहीं रहा है। ताऊ तुम निकालो, नहीं तो टाइम हो जाएगा। अरे ताऊ ने ले ली ले ली ले ली ले पैर बचा के मेरा, बार बार हाथ मारता। ड्रेसिंग करवा के आ गया, फिर भी खिड़की से चैटिंग चैटिंग नहीं। आराम कर ले यार, पेट दर्द होने लगती लेते लेते। अच्छा, आराम कर ले भाई। पता है आधा घंटा लग गया भाई, अब वो मैंने उससे बोला आती 25 मिनट लगेंगे, क्या मेरे से कहने लगा मैं 200 रुपये ले लूँगा अगर आधा घंटे से ज़्यादा हो गया तो। मैंने कहा अच्छा, मैं आती उतर के कहा, मैंने ताऊ 25 मिनट हुए हैं, तो ताऊ कह रहा चलो तुम 150 ही दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ताऊ कह रहे ना तुम ले लो। मैंने कहा तुम देखना, लड़के का पैर फटा पड़ा है। 10 रुपये Thank you.
मैं न्यूज़ देख के आ रहा हूँ और मैंने देखा सत्ता के पीछे, सत्ता पावर, सत्ता के पीछे इतना ज़्यादा इंसान पागल हो गया है कि वो कुछ भी कर देता है, किसी का घर तोड़ देता है, किसी को परेशान करता है। डेमोक्रेसी है, कोई इंसान, अगर आप सरकार में हो तो कोई इंसान आपको ऊपर उंगली उठा सकता है, आपसे सवाल कर सकता है, आपके खिलाफ़ कुछ भी बोल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका कुछ भी कर सकते हो। जैसा कि मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, सबको मालूम है कि भाई कंगना रनौत का जो ऑफिस है, जो कि इलीगल एरिया पे बना हुआ था, और जो बीएमसी ने उनका ऑफिस गिरा दिया है, अगर ऐसे ही ऑर्डर आते रहे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मुंबई मुंबई जैसा दिखेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे तो सबकी चीज़ें टूटेंगी जहाँ पर भी इलीगल लोग रह रहे हैं। पर वही है ना, दिखावा, पैसा, और सबसे बड़ी बात डर। डर किसको? डर लोगों को अपना डर दिखाना कि देखो तुम हमारे खिलाफ़ बोलोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ़ ये कर देंगे, ये कर देंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अब ये कुछ खास कर पाएंगे। अब तो भाई जो महारानी लक्ष्मीबाई की तरह ही कंगना रनौत जी आगे आ गई हैं और इनकी अच्छे से हजामत करने वाली है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अपकमिंग चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है। बहुत ही गलत बात है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और सरकार ने जो भी किया बहुत गलत किया। मॉर्निंग में मैं यहाँ वॉक करने आता हूँ इस जगह पे, और यहाँ से सीधा रूट वहाँ तक जाता है। ये पूरा 1200 मीटर का रूट है और दो राउंड लगा के आ जाओ तो 2400 मीटर का हो जाता है। तो कम से कम 2 से 3 राउंड मैं भी लगाता हूँ कभी कभी, डेली नहीं, कभी कभी लगाता हूँ। कभी कभी 1200 मीटर का लगा दिया, कभी लगा दिया। अब इतना ज़्यादा यहाँ पर ये डाइवर्जन हो गया है तो बहुत ही मुश्किल होती है मॉर्निंग में वॉक करने पे। अदर साइड खाली हुआ रोड की उस तरफ, दूसरी साइड में लोग काफ़ी आते हैं, काफ़ी वहाँ पर टहलते हैं, लेकिन इस साइड अब ख़तरनाक हो गया है। यहाँ पर खड़े रहना भी ख़तरनाक हो गया है कि गाड़ियाँ आके मुड़ती हैं, तो मे बी सुरक्षा के लिहाज से वो थोड़ा अच्छा नहीं है, ध्यान देना पड़ता है काफ़ी। गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी एनजीओ नव ऊर्जा युवा संस्था को भी आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।